मूर्ति को प्राण दिए बिना वो पत्थर है, और प्राण दिए जाने के बाद पूजा का प्रारंभ होता है। पूजा क्या है? अगर आप किसी मूर्ति को प्राण देने में समर्थ हो जाएं, तो फिर पूजा क्या है? फिर पूजा क्या होगी? जैसे ही मूर्ति को प्राण दिया जा सके, वैसे ही वो जीवंत व्यक्तित्व हो गया। इसको थोड़ा समझना जरूरी होगा। जैसे ही कोई चीज जीवंत हो जाए, उसमें आकार और निराकार दोनों समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देह तो आकार है और जीवन निराकार है। जीवन का कोई आकार नहीं, देह का आकार है। इसलिए मेरा हाथ कोई काट दे तो मेरा जीवन नहीं कटता, और अगर मेरी आंखें बंद हों और मेरे पूरे शरीर से मेरे संबंध तोड़ दिए गए हों और मेरा हाथ काट दिया जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा किया जा सकता है कि मेरे मस्तिष्क को पूरा का पूरा निकाल लिया जाए बाहर और उसे बिल्कुल पता न चले कि शरीर अलग हो गया है, क्योंकि जीवन का कोई आकार नहीं है, जीवन निराकार है। जहां भी जीवन है वहां आकार और निराकार का मिलन है। पदार्थ का आकार है, चेतना का कोई आकार नहीं। तो जब तक मूर्ति पत्थर है तब तक आकार है, और जैसे ही उसको प्राण दिया, प्रतिष्ठा हुई और भक्त ने अपने हृदय को मूर्ति में धड़काया, ध्यान रहे, जो भक्त अपने हृदय को मूर्ति में न डाल सकेगा, वो भक्त परमात्मा के हृदय को अपने में डालने की पात्रता न पा सकेगा। पात्रता ही यही है। जैसे ही भक्त अपने हृदय को मूर्ति में डाल पाता है और मूर्ति जीवंत हो जाती है, वैसे ही मूर्ति दोनों बातें हो गई। एक तरफ आकार रहा और दूसरी तरफ से निराकार का द्वार खुल गया। अब उस द्वार से यात्रा करने का नाम पूजा है। तो पूजा के संबंध में पहली बात तो ये कि मूर्त से अमूर्ति की यात्रा उसके एक एक कदम है। बुनियादी आधारभूत कदम जो है पूजा का वो ये है, व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक है, स्वकेंद्रित है। हमारे जीने की सारी व्यवस्था ऐसी है कि जैसे मैं सारी दुनिया का केंद्र हूं, ऐसे हम जीते हैं। सब चांद तारे मेरे लिए घूम रहे हैं, पक्षी मेरे लिए उड़ रहे हैं, सूरज मेरे लिए निकलता है। इस सारे जगत का केंद्र हूं मैं। साधारण व्यक्ति जिसने पूजा को नहीं जाना, स्वकेंद्रित होकर जीता है। कुछ भी हो, मैं केंद्र पर हूं, बाकी सारा विश्व मेरी परिधि है। ये हमारी दृष्टि है। पूजा में इस दृष्टि के विपरीत चलना पड़ेगा। केंद्र कहीं और है और मैं परिधि हूं। पूजा का सार सूत्र है, केंद्र कहीं और है, मैं परिधि हूं। अधार्मिक आदमी का सार सूत्र है, मैं केंद्र हूं और सब जगह परिधि। अगर परमात्मा भी कहीं होगा तो वो परिधि पर है, केंद्र में हूं, वो भी मेरे लिए है कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी बीमारी ठीक कर दे, तो मेरे लड़के को नौकरी ना मिले तो नौकरी लगवा दे, कि किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो मेरा सहारा बन जाए, वो भी मेरे लिए है। ध्यान रहे, जिस आदमी ने इस भांति सोचा हो कि परमात्मा मेरे लिए है, उसकी नास्तिकता नास्तिकता से ज्यादा बदतर। उसे ख्याल ही नहीं वो क्या कह रहा। पूजा का अर्थ है, प्रार्थना का अर्थ है, धार्मिक भाव का अर्थ है कि अब तू केंद्र हुआ और मैं परिधि हूं। जैसे ही मूर्ति जीवंत हो गई और उसका हृदय धड़कने लगा, जैसे ही प्रतीत हुआ कि मूर्ति में प्राण आ गए, निराकार प्रवेश कर गया, वैसे ही जो दूसरा बुनियादी सूत्र है वो ये है कि अब मैं परिधि पर हूं, तू केंद्र पर है। अब मैं तेरे लिए नाचूंगा, तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए श्वास लूंगा, अब जो कुछ भी होगा तेरे लिए होगा। रामकृष्ण के पास एक बहुत बड़ा ज्ञानी ठहरा हुआ था, तोतापुरी। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा कि तू कब तक मूर्ति में उलझा रहेगा, अब निराकार की यात्रा पर निकलो। तो रामकृष्ण ने कहा कि जरूर निकलूंगा। रामकृष्ण सबसे सीखने को सदा तैयार थे, जो भी सिखाने आ जाता उससे सीखने को तैयार थे। रामकृष्ण ने कहा जरूर निकलूंगा, लेकिन जरा रुको, मैं जरा मां को भीतर जाके पूछा हूं। तोतापुरी ने कहा कौन मां? रामकृष्ण ने कहा काली है ना, जो उनसे मैं जरा पूछा हूं।
उस तोतापुरी ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें रोकने को कह रहा हूं कि पत्थर में कब तक उलझे रहोगे और तुम वहीं पूछने जा रहे हो। तो रामकृष्ण ने कहा बिना पूछे तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिस दिन पूजा शुरू हुई थी उस दिन मैं परिधि पर हो गया हूं और उनको केंद्र पर रख लिया। अब तो बिना पूछे कोई उपाय नहीं, अब तो मैं हूं नहीं, अब तो मैं जो भी कर सकता हूं वो उन्हीं के लिए है। उनकी आज्ञा हो गई तो ठीक और उनकी आज्ञा नहीं हुई तो ठीक। उनकी बिना आज्ञा के मोक्ष भी अब व्यर्थ है और उनकी आज्ञा के साथ नरक के लिए भी अब मैं राजी हूं, क्योंकि जिस दिन पूजा की थी उस दिन इसी शर्त पर तो पूजा शुरू हुई थी कि मैं परिधि हो गया तुम केंद्र हो। तो उनसे बिना पूछे तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तोतापुरी की तो समझ के बाहर पड़ी बात, मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए मूर्ति से पूछने जाएंगे रामकृष्ण तो कैसे छूटेगी मूर्ति पूजा? जिसको छोड़ना है उससे पूछना क्या है? और छोड़ने के लिए पूछना पड़ता है? पर रामकृष्ण तब तक भीतर चले गए हैं, तोतापुरी पीछे पीछे जाके खड़े हो गए हैं। देखा कि रामकृष्ण की आंखों से तरल आंसुओं की धार बहती है, वो रो रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नहीं आज्ञा दे दे, फिर रोते हैं कहते हैं नहीं आज्ञा दे दे। तोतापुरी राह देखते होंगे आज्ञा दे दे, फिर प्रसन्न हो गए, फिर नाचने लगे हैं। तोतापुरी ने कहा कि क्या हुआ? कहा आज्ञा मिल गई है, अब राज्य, अब कोई सवाल नहीं। केंद्र पर रखने का अर्थ है अब से मेरा जीवन समर्पित जीवन होगा। पूजा, पूजा का अर्थ है समर्पित जीवन, पूजा का अर्थ है अब मैं ऐसे जीऊंगा जैसे परमात्मा के लिए जी रहा हूं, उठूंगा बैठूंगा उसके लिए, खाऊंगा पीऊंगा उसके लिए, बोलूंगा चुप होऊंगा उसके लिए। केंद्र पर जैसे ही किसी ने निराकार को रखा वैसे ही एक अद्भुत प्रवाह शुरू होता है, एक फैलाव शुरू होता है। हम अपने ही हाथ से सिकुड़ के बैठे हैं, बीज टूट जाता है और वृक्ष बनने लगता है। हम सिकुड़ के बैठे हैं, सब तरफ से दबा के बैठे हैं मैं, वो टूट जाता है तो फिर बड़े अंकुर निकलते हैं और फैलने शुरू हो जाते हैं। फिर वे इतने अंकुर फैल सकते हैं कि इस पूरे विराट को घेर ले। और बड़े आश्चर्य की बात तो यही है, और धर्म ऐसे बहुत से आश्चर्यों से भरा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने को बचाता है वो मिटा लेता है, और जो अपने को खो देता है पूजा में वो अपने को पा लेता है। ये तो पूजा का आधार है, परमात्मा को रखना है केंद्र पर, स्वयं को रख देना है परिधि पर। बहुत कठिन, हमें ख्याल ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकेगा। हम पैदा होते से ही अपने को केंद्र मान के जीते हैं,